भारतीय जनता पार्टी के नेता की हकीकत आई सामने। जी हाँ, कोरोना जैसी भयंकर महामारी से जहाँ पूरा देश परेशान है और बचाव के अनेक उपाय कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूपी के प्रयागराज जिले में भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी ही सरकार के बनाए नए गाइडलाइन पे ही नहीं चलते दिखाई दिए। जी हाँ, यह बात हकीकत है। गुरुवार शाम को तारागंज स्थित दशाश्वमेध घाट मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी दर्शन पूजन कर रहे थे। उनके आसपास लगभग 2500 की संख्या में छोटे बच्चे बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के भटकते रहे। उन्होंने इस बात को पूरी तरीके से नजरअंदाज किया और दर्शन पूजन करने के बाद जब वह चल दिए, उनके पीछे वह सभी बच्चे भी चल दिए। आधे दर्जन से अधिक बच्चों के शरीर के कपड़े भी नहीं थे और न ही उनके मुंह पर मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। नेताजी भी बच्चों के साथ ही मस्ती में चल रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोरोना जैसी कोई महामारी देश में है ही नहीं। या वही नेता लोग हैं जो बड़े बड़े नेताओं के साथ बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े वादे करते हैं और पब्लिक में बने रहने के लिए, मीडिया में बने रहने के लिए कभी मास्क का तो कभी भोजन बांटकर समाज सेवा का भाव दिखाते रहते हैं, किंतु यहाँ पर सारी समाज सेवा का भाव और सारी नेतागिरी धरी की धरी रह गई। यह स्पष्ट हो गया कि नेता भी केवल दिखावटी होते हैं। जैसे हाथी के दांत दिखाने के लिए कुछ और, खाने के लिए कुछ और ही होते हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए प्रयागराज से शिवम नंदन त्रिपाठी की खास रिपोर्ट।